वेलकम बैक, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों आप नए व्यूअर्स हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दी रेड बटन को दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी का निशान भी हिट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निरंतर मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न है चार द्विआधारी संख्या के लिए शॉर्टकट संख्या क्या है। तो दोस्तों जो चार द्विआधारी संख्या होती हैं इसके लिए हम शॉर्टकट में संख्या क्या यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं। चलिए हम यहां पर हेक्साडेसिमल के बारे में जान लेते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का विकास बाइनरी अंकों का सरलता से कोडिंग करने तथा बड़ी संख्याओं को आसानी से लिखने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आप देखिए, बाइनरी अंकों का सरलता से कोडिंग करने के लिए और बड़ी संख्याओं का आसानी से लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। चार द्विआधारी समूहों के लिए शॉर्टकट हेक्साडेसिमल है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसे बाइनरी के चार अंकों के समूह से दर्शाया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या बाइनरी मान जो होता है, हेक्साडेसिमल संख्या का 001 होता है, ठीक है। इसमें आधार संख्या जो होती है 16 होती है, क्योंकि इस पद्धति में 16 अंकों का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह देखते हैं हम। IBM PC AT में AT का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों AT का जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर आप देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM एक कंपनी है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह अमेरिका में है, जिसे हम देखें, जिसके सहयोग से विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया था। देखिए आप यहाँ पर, प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र का आविष्कार किया गया था। इसे मार्क फर्स्ट नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? मार्क फर्स्ट नाम दिया गया था। IBM PC 80 में IBM पर्सनल कंप्यूटर 80 या IBM PC 80 कहते हैं, ठीक है। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। यह IBM का सेकेंड जनरेशन PC है, जो 1984 में रिलीज हुआ था। इसमें 80 का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी है। वर्तमान पीढ़ी में सभी पर्सनल कंप्यूटर PC 80 कहलाते हैं, ठीक है। हम अभी देखते हैं ना, सभी कंप्यूटर हम क्या बोलते हैं, PC बोलते हैं, तो क्या कहलाते हैं, PC 80 के नाम से हम सभी कंप्यूटरों को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किस में मापी जाती है। दोस्तों जो प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है, हम उस किस में नापते हैं, डॉट पर इंच में नापते हैं, ठीक है। प्रिंटर की गुणवत्ता तथा आउटपुट क्वालिटी का माप प्रिंट आउटपुट प्रति इंच लंबाई में डॉट संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे और इसमें हम देख लेते हैं, इसे डॉट पर इंच में मापते हैं, जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल मापा जा सकता, मतलब कि इसको खड़े और आड़े दोनों तरह से हम माप सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के बाद कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए, यदि आप किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं तो कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर रहेगा अनेकों बार आप पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं, कॉपी विकल्प के द्वारा हम चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को कॉपी कर क्लिपबोर्ड में लाते हैं, ठीक है। क्लिपबोर्ड में हमने लेके आ गए, किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के बाद उसे अनेकों बार पेस्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़े हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक निबल कितने बिट्स के समतुल्य होता है। तो दोस्तों एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है। यहाँ पर हम और देख लेते हैं, एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है और 2 निबल बराबर 1 बाइट या फिर 8 बिट होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह हम देख लेते आगे कि 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 किलोबाइट होता है, मतलब KB, ठीक है। और 1024 KB मतलब किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट मतलब MB होता है। आगे हम इसमें देख लें कि 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है। आप इन सबको याद कर लीजिए, बहुत आसानी होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत अधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं BIOS मतलब BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर हम देखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के हम इसको जानते हैं, ठीक है। मतलब BIOS का जो एब्रीविएशन होता है वो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बारे में हम देख लेते हैं, BIOS जो है इसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। IBM कंपनियों को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह है। क्या है यह? IBM कंप्यूटरों को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। यह निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संरक्षित रहते हैं। कहाँ पर संरक्षित रहते हैं दोस्तों? यह कंप्यूटर में एक चिप में यह निर्देश जो है संरक्षित रहते हैं। BIOS का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय स्वपरीक्षण निर्देश देना है। क्या देना है? स्वपरीक्षण निर्देश देना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। चलिए आगे देखते हैं हम, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक और एक कार्य दिया जाए, मतलब किसी एक कार्य के लिए उसे बनाया जाए, इसको हम डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि मौसम की जानकारी के लिए,
लिए, ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी के लिए हम जो बात करते हैं, मतलब डेडिकेटेड किसी एक काम के लिए जो उसको बनाया गया है तो वह डेडिकेटेड कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी और अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एड्रेस बस कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी और अन्य भाग के जो भौतिक कनेक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस बस कहते हैं। इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। एड्रेस बस वह बस होती है जो सीपीयू और मेमोरी के लोकेशन का एड्रेस संचारित करती है, जबकि हब, ठीक है, इसके ऑप्शन में यदि आपका क्वेश्चन आएगा तो हब जरूर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हब शामिल कर दिया है। तो हब क्या होता है, हब एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क में उपस्थित अन्य कंप्यूटरों को तार द्वारा एक साझा बिंदु पर जोड़ती है, ठीक है, हब यह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर W बाय एस आई W बाय जी का क्या मतलब होता है। दोस्तों यह जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे व्यापम का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो या बैंकिंग एग्जाम हो, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट होता है। हम आगे देख लेते हैं इसको हिंदी में, हम देखें देखो और पाओ इसको बोला जाता है, अंग्रेजी में व्हाट यू सी व्हाट यू गेट कहा जाता है, जिसका संक्षिप्त नाम होता है WSIWYG, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका काम क्या, विंडोज का MS वर्ड व्हाट यू सी व्हाट यू गेट प्रोग्राम है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आगे बन सकता है कि जो विंडोज़ है वह किसका एक प्रोग्राम है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, ठीक है, यह एक प्रोग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जिसका अर्थ है कि उपयोग करते जो उपयोगकर्ता होता है वह फॉन्ट या ग्राफिक्स को ठीक उसी प्रकार देख सकता है जैसे वो प्रिंट में दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इसका यह मतलब होता है। चलिए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखते हैं, वेब का मानक कौन बनाता है। जो तो जो वेब होती है उसका मानक कौन बनाता है, हम देखें द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम जो होता है इसका मानक तैयार करती है। हम आगे इसके बारे में देख लेते हैं, द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम इसको हम संक्षिप्त रूप से W3C के नाम से भी जानते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स ली के नेतृत्व में काम करती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है, टिम बर्नर्स ली हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में यह कंपनी काम करती है। कंपनी का नाम क्या है, द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था, 1994 में इसका गठन किया गया था। यह संस्था वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण करती है। आपको इन सभी बातों को याद रखना दोस्तों। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करें ताकि हम इससे भी अच्छे और अधिक से अधिक वीडियो ला सकें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।